अभी रजिस्ट्रेशन नंबर 16 क्या कह रही है? Now, 16th illustration is there. क्या कह रहे हैं? अचल एंड विचल दो पार्टनर्स हैं, किस रेशो में? 3:5 है. ओके, ऑन 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमारे पास. तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट. क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, ठीक है जी. मशीनरी 3 लाख, फिर डेटर्स 2,22,000, ठीक है जी. कैश एंड कैश उधर क्रेडिटर्स 1,79,000, ओके. और ईपीएफ दिया हुआ है 21,000, ठीक है जी. अब लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है हमारे पास 4,20,000. फिर डेटर्स रियलाइज 2,25,000 विद इंटरेस्ट एंड 1,000 वर रिकवर्ड फॉर डेटर्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. तो डेटर्स के मिले हैं उसे 2,26,000. ओके, देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वाज सोल्ड फॉर 25,000. तो उसके मिल गए अनरिकॉर्डेड. Richard took over machinery at 284 cash. तो machinery भी आ गई 2,00,000, ठीक है. 50% of creditor were paid 4,000 less in full settlement and remaining were paid in full. So 179 का ये दे दिए टोटल करने 280 और 6. देखो 9, 10, 16, 8, 21, 2, 9, 11, 3, 14, 16, 2, 8, 7, 9, 2, 11, 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
सौ भाई आठ से आठ पाँच चालीस से ये ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन के सारे का टोटल ये आ गया इन दोनों का टोटल ये है जी So this is how illustration number 16 will be done. Okay. Now moving over to illustration number 17. Okay. इसमें missing figures हैं. Mostly you can do it easily. कोई ज़्यादा बड़ा question नहीं है. देखो, realization account दिया हुआ है. उसमें टोटल कर रखा है बस एक्सपेंसेस साइड में से इनकम साइड माइनस करनी है मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा लॉस आएगा इसमें ओके क्योंकि लॉस साइड पे आपकी एंट्री मतलब रखी हुई है बैलेंस जो है आपका लॉस साइड पे आएगा फिर कैपिटल अकाउंट है तो देखो जिस जिसने कैपिटल उठाई है वो ट्रांसफर कर देंगे जनरल जब आ गया रियलाइजेशन का बांट देंगे इसमें और कुछ बांटने वाला है
एक दिन पे आएगी, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में दूसरा पे, और वो बैंक में चले जाएगी अमाउंट के लिए आपके ए जो बैंक के क्रेडिट साइड में दो वैकेंसी छोड़ी हुई वो है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वो आ जाएंगे आपके पास कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे। देखो पूरा सिंह इब्राहिम थे वो बस कोई और कुछ नहीं और क्या है आपके पास बैंक से लाइब्रेटी आ गई 2400 और 620 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे आएंगे। ठीक है, कैपिटल आएगा और उधर से 55,200 6,120 भी आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है आपके पास, क्या कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, P3-4 की रेशियो। ठीक है जी, अभी क्या है उनकी बैलेंस शीट नहीं दी, तो पहले हम बैलेंस शीट है 16,000। फिर एक कंटिन्यूंट लाइबिलिटी थी 2650 वो तो दिखा रहे हैं, कैपिटल थे 12, 10 और 8। विष्णु ने लोन लिया हुआ था, ये कितना हो गया 60,000, ये एसेट्स बैलेंसिंग शीट है। ठीक है, अब आ जाओ रियलाइजेशन। सन्डी एसेट्स आ गए, ठीक है, क्रेडिटर्स आ गए। अब देखो क्या कह रहे हैं, एसेट्स रियलाइज हुए 40,000। ठीक है, तो अनरिकॉर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी उसका बैंक में 2600, तो बैंक कितने क्रेडिटर्स कितने हो गए 78,650, तो 546 हो गए 32।
बैलेंस नोट डाउन कितने कितने कैपिटल दिए हुए 12, 10 टू रियलाइजेशन 6750 6750 ठीक है जी और कुछ नहीं है 12 में से चले गए 5250 3250 अब बैंक का बैलेंस तो है नहीं है ये दे रखा है रियलाइजेशन में और इधर 18650 5 और 3 8 12.5 So this is how illustration number 18 will be done. Okay. Now moving on to the next illustration, that is illustration number 19. अब 19th illustration क्या कह रही है? ABC 4-3-3 ratio के हैं। ठीक है। On 1st April 2015 they decided to A is capital की 1.25, B की 45 और C का पहले तो बैलेंस शीट बना क्या कह रहे हैं कैपिटल दे रखी है ए बी बी इधर कैपिटल दे रखी है इसकी कैश इन हैंड देना है तीन हजार
और सीजी कैपिटल दे रखी है कितनी, 15। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 193 में सदस्य के 183 और 8 के 175 कैपिटल अकाउंट by
So this is how illustration number 19 will be done. Okay.